मैं आपको दिखाता हूँ, झाड़ियों में चलते हैं। वही नागिन ने बैग लैपटॉप वगैरह सब कुछ रख दिया है और अभी होगा चलो बाइक। वो भाई काफ़ी कूल लग रहे हैं। और अभी साइड देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिक्रीज़ किया था सस्पेंस को। सो इसको डिक्रीज़ करने के बजाय ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब से मैंने नोटिस किया यहाँ पे क्या हो गया। देखो भाई, हे वेलकम बैक अगेन एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया, लगभग 10 दिन या होगा शायद। यार एक कंट्रोवर्सी हो गया था क्योंकि यार देखो, एक बंदे मेरे को कमेंट कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था कि भाई देख तेरा कुछ प्रॉब्लम है तो बता, मेरे को गाली वाली नहीं देने का। मैंने भी कमेंट सेक्शन में गाली नहीं दिया लेकिन उसको भाई रोस्ट कर दिया। सो गाइस वो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को बताना। और काफ़ी दिन हो गए गाइस वीडियो नहीं बनाया, सो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फाइनली। यार हमारे बाइक अभी पीछे खड़ा है देख लो, मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम रख दूँ मैटी, सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि ये मैट कलर में आता है। देन गाइस अभी जो है बाइक में हमारा कब होगा थर्ड सर्विसिंग वगैरह, और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था सस्पेंस चेंज मतलब छोटा करने के लिए डिक्रीज़ करने के लिए, वो वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था। यहाँ पे नीचे बैग लैपटॉप वगैरह सब कुछ रख दिया है और अभी होगा चलो बाइक पीछे के कैमरे में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह है अभी इंजन का। सही, सो गाइस तो अभी हम आ गए पीछे के कैमरे में। तो गाइस देख सकते हो, अभी मैंने जस्ट इसको क्लीन करके लेके आया, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। सो वो अरे कुछ नहीं छोड़ो बस बात है, तो यहाँ पे फोकस नहीं ले रहा है। देन गाइस मैं आपको दिखाया था शायद ये वाला जो मॉडिफाई जब मैंने किया था रैपिंग। सो गाइस अभी बात करने वाले कि हमारी बाइक ने कब थर्ड सर्विसिंग कब होगा। सो मेरे को थर्ड सर्विसिंग तो पहले ही बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था हर बार की तरह, इस बार भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार टाइम नहीं है पैंचो, मेरे पास टाइम नहीं रहता है समझ लो आप लोग। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा गाली मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि यार वो बंदा ना मेरे को जो कंट्रोवर्सी में पड़ गया था, वो बंदा मेरे को ऐसा भी बोल रहा था, मैं तेरे को भी अभी बोल रहा हूँ भाई देख, तू अगर सॉरी नहीं बोलेगा ना तो तेरे पार्ट टू निकाल देंगे। जब से मैंने उसको बोला, वो बंदा मेरे को बोले भाई ऐसे थोड़ी मतलब जो है किसी को भी रोस्ट नहीं कर सकते, उसको परमिशन लेना चाहिए। बट उसी ने मेरे को बोला था कि कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलना है वो बोल दे। अभी वो बंदा बोल रहा है तूने मेरे साथ मेरे पास से क्या बोल दूँ उसको, परमिशन नहीं लिया यार। तो परमिशन नहीं लिया तो क्या होगा भाई, मैंने उसको बोल दिया कि ज़्यादा उखाड़ मत क्योंकि दोबारा पार्ट टू निकाल देंगे, देन उसके साथ साथ ना हम डिस्ट्रैक्ट भी निकाल देंगे। तो वो बंदा चुप हो गया एकदम और मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा था और फेसबुक पे मेरे को, तो मैंने ना आपको वो भी दिखाना है, तो मैं वो भी दिखाएंगे। सो अभी करते हैं बाइक की बात क्योंकि यार काफ़ी दिनों से बाइक के बारे में कुछ भी अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया था। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था ये वाला वीडियो मैंने यार यूट्यूब से ही देखा था कि यार यहाँ पे ना गाइस एज यू कैन सी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिक्रीज़ किया था सस्पेंस को। सो इसको डिक्रीज़ करने के बजाय ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब से मैंने नोटिस किया कि कुछ बंदे मेरे को कमेंट कर रहा था कि भाई वो ना जो है कि हाइड्रोलिक जो होता है सस्पेंस पीछे वाला स्मूथनेस करने के लिए और हार्ड करने के लिए। सो मैंने उन लोगों का बातों में ध्यान नहीं दिया, लेकिन गाइस मैंने ना एक चीज़ नोटिस कर रहा था, जब से मैंने वो चेंज किया ना तो तब से मेरी बाइक में कुछ सस्पेंस में ख़राबी आ गया है। मान लो कुछ खड्डा वगैरह में जाते हैं, स्पीड ब्रेकर में जाते हैं तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। अब बात करते वो उसको तो मैं चेंज करूँगा। सो वो मेरे मतलब मैंने भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो गाइस अभी बात करती कि हमारा बाइक अभी सेकेंड सर्विसिंग कब होगा, सॉरी है सेकेंड नहीं थर्ड सर्विसिंग कब होगा। सो अभी देखो गाइस मैं बाइक को ऑन कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पर मत देखो भाई, यहाँ पर मत देखो क्योंकि यार फ्यूल कभी नहीं रहता है मेरे बाइक में, 50 का डलवा के आया यहाँ तक, बट पता नहीं घर में जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी ओडोमीटर में कितना दिखा रहा है देखो, सिंगल स्टैंड पे लगाया, अभी बज रहे हैं 12:13। सो यहाँ पे देख सकते हो 8593 किलोमीटर अभी तक रन हुआ है। सो मेरे को ना 8000 में नहीं 7000 पे करने के लिए बोला गया था कि भाई थर्ड सर्विसिंग जो है 8000 के बाद करो, 7000 के बाद कर लेना, बट देन उसके बाद जो सर्विसिंग हुआ है फोर्थ या फिफ्थ वो आप चाहे तो कभी भी करा सकते हो। सो मैंने ना नहीं करवाया, जिनोइल वगैरह चेंज करना पड़ेगा, सो उसके लिए अभी पैसा थोड़ा कम है। सो मैंने सोचा कि यार पीछे वाले जो टायर है उसमें जो ब्रेक शू वगैरह था मैंने पहले बार चेंज नहीं किया, तब से ऐसे ही चल रहा है, इसको भी चेंज करेंगे। देन मैं नाम शायद इसीलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम शायद चेंज करने वाला था कि गरीब राइडर। सो एक बंदे मेरे को कमेंट किया था, मैंने भी आप लोगों से पूछा था। सो यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो मैंने यहाँ पे भी मेरे को ब्रेक शू के जो यहाँ पे कुछ रहता है उसको क्या बोलते मेरे को पता नहीं, और उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्यों हंस रहा हूँ, मेरे को पता नहीं यार, मैं कभी ज़्यादा मतलब ढोंगी टाइप का हो गया हूँ। मैं चेंज करने वाले आप लोगों को बोलता हूँ कि यार चेंज कर देंगे, लेकिन बाद में चेंज नहीं करते, थोड़ा क्या बोलते उसको। और भाई देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो भाई
ए उठ गया भाई, वापस इसको कैसे ठीक करना है मेरे को पता नहीं, कैसे करेंगे। अगर आप लोगों के पास कुछ हल है तो बताओ मेरे को, वैसे ही करेंगे। मैंने भी इसको मतलब टेप लगाया था, सेलो टेप। मैंने सोचा कि यार इसमें सेलो टेप लगा देते हैं, लेकिन वो ख़राब लग रहा है दिखने में। बट ये कैसे उठ रहा है मेरे को पता नहीं, ओरिजिनल स्टिकर है। बट देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा साइन कर रहे हैं और यहाँ पे मैट कलर है, ऐसा लग रहा है यार पेंट के ऊपर इन्होंने ऐसा चढ़ा दिया। काफ़ी कूल लग रहा है, बट ये उठ जाता है ना तो भाई ये भी बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई कैसे साइन कर रहे हैं। वहाँ पे किसी का फोटो वगैरह दिख रहा था, कोई नहीं है। सो गाइस मेरे को डर लग रहा है क्योंकि इस सुनसान जगह पे मैं अकेला आया हूँ। सो गाइस बहुत सारे बंदे उल्टे पल्टे बोलने वाले। सो अभी क्या है ना, एक काफ़ी सारे बंदे मेरे को कमेंट कर रहा है कि भाई मेरे बाइक में इंजन का साउंड प्रॉब्लम होता है। सो वो आपको बता दूँ, अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ भी। वो प्रॉब्लम मैं अभी अभी फेस कर रहा हूँ, जो पिकअप वाले भरने वाला प्रॉब्लम था ना। अभी मैं बाइक को सुबह जब स्टार्ट करते ना तो पिकअप ऑटोमेटिक कुछ अलग हो जाता है, देन इसमें किट किट करके एक साउंड आता है इंजन से। अभी नहीं आ रहा है, बट पहले 2 दिन से आ रहा था। सो अभी क्या है ना, इसमें थर्ड सर्विसिंग करने के बाद बाइक एकदम फ्री हो जाएगा। अब इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करा था मैंने, लेकिन दोबारा इसको करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट तो इरोर आ गया, तो सो पहली बारी में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, देन सॉफ्टवेयर अपडेट भी इसको कराना पड़ेगा। और अभी जो है गाइस, बाइक हमारा अच्छा चल रहा है, माइलेज भी थोड़ा दिखने को मिल रहा है। भाई 50-50 करके पेट्रोल, सो गाइस 50-50 करके पेट्रोल डलवा रहा हूँ, तो यार कैसे माइलेज टेस्ट करेंगे। अभी माइलेज टेस्ट भी करना पड़ेगा। और मैंने जब से बोला था आप लोगों की एक चेन क्लीनर के लिए C1 एंड देन C2 लगाएंगे, बट वो भी लेने के लिए क्या बताऊँ यार, कुछ नहीं यार, लेना पड़ेगा, जब ज़रूरत है तो लेना पड़ेगा। और इसको भी वापस सीटें ठीक करना पड़ेगा, मेरे को पागल जैसे हो गया था। मैंने भी YouTube में देखा था, मैंने भी खोल के कई सारे बंदों को वीडियो भी दिखा था, वहाँ पे जाके मैंने भी कर लिया था। भाई हाइट तो थोड़ा सा भी हुआ था, थोड़ा सा जस्ट हुआ था, बट इसमें जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो गया। यही प्रॉब्लम है। जो बंदा मेरे को कमेंट करके बोला था कि भाई वो स्मूथनेस के लिए है, मैंने उनको इग्नोर किया था। भाई सॉरी तुम लोगों को मैंने इग्नोर किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को ऐसा लग रहा है यार सही में ऐसा हो रहा है। सो इसको भी ठीक कराना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे खुली खुली हवा चल रही है। मौसम देखो कितना सुहाना है, अगर यहाँ पे कुछ सीन बन जाता तो बहुत ही अच्छा होता, काफ़ी कूल नज़ारा है देखो। और सबसे बड़ी यार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, झाड़ियों में चलते, कोई नागिन ना डस ले मेरे को, इधर कोई नागिन नहीं है ना। आज होगा भाई वापसी से ब्लॉग, देख सकते हो गाइस कैसा नज़ारा है। देन सो यहाँ पे ये रहा, एक ITI कॉलेज है वहाँ पर। मैं ड्रोन तो नहीं ले सकता, पर जितना मेरा हाथ जा रहा है उतने ऊपर कर रहा हूँ। सो गाइस देखो वो भाई काफ़ी कूल लग रहा है। और साइड में ये रहे मेरी रानी, कैसा लग रहा है भाई, काफ़ी कूल लग रहे हैं। और चलते हैं झाड़ियों में, यार झाड़ियों में क्यों जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो बस इतनी ही, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है ना तो गाइस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब तो जरूर चैनल को करके जाना। भाई सब्सक्राइब करते हो तुम लोग, बट बाद में क्यों मेरे को पता नहीं वीडियो में व्यूज़ वगैरह नहीं आता है। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा पसंद आता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी क्या यार, कंटिन्यू ब्लॉग वगैरह आएगा, वीडियो वगैरह आएगा मैंने बोला था जैसे, बट अभी नहीं आ रहा है, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी मेरा पास कैमरा भी नहीं है भाई, कैसे नीचे जाएंगे। मेरे गंदे पर दिल से मैं साफ हूँ, जो साथ मेरे बंदे वो बंदों के लिए जान दूँ, हाथ मेरे चलते।